डायनेमिक्स मिनी सिटी, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट रेसिडुअल क्लाइमेट थ्योरी। अब ये थ्योरी दी किसने है? ये थ्योरी दिया प्रोफेसर वॉकर ने। किसने दिया? प्रोफेसर वॉकर ने। इस थ्योरी में ऑथर क्या बात करते हैं? इस थ्योरी में ऑथर बताते हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 टाइप के होते हैं, लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब देखो, हम जब प्रोडक्शन करते हैं तो हमें बेसिकली इन 4 फैक्टर की जरूरत होती है। ओके, अब लैंड के बदले में हम क्या पे करते हैं? रेंट। लेबर को हम देते हैं वेज। कैपिटल के बदले में हम देते हैं इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। अब ये एक वेज थ्योरी है। हमने इस थ्योरी में ये बताना है कि आप लेबर को वेज कितना पे करो। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, आपने अपना रेंट पे कर दिया, आपका एक स्पेसिफिक अमाउंट है जो आपने रेंट के लिए रख दिया, ठीक है। आपने अपना जो भी लोन उठाया, कैपिटल ली चाहे बैंक से ली, जो भी ली, आपने उसका इंटरेस्ट पे करना है, उसका भी आपने स्पेसिफिक अमाउंट रख लिया। आपने अपने प्रॉफिट का भी एक स्पेसिफिक अमाउंट रख लिया कि इतना मुझे प्रॉफिट लेना है, उसका भी आपने एक सर्टेन अमाउंट डिसाइड कर लिया। प्रॉफिट आपने जो पैसा कमाया अपने बिजनेस से, जो पैसा कमाया, मान लीजिए आप टेक्सटाइल का बिजनेस कर रहे हैं, टेक्सटाइल के बिजनेस में आपने जो पैसा कमाया, उस पैसे में से आपने अपना प्रॉफिट रख लिया, आपने रेंट पे कर दिया, आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, जो रिमेनिंग पार्ट है ना, जो आपके पास बच गया, वो आप सारा लेबर को दे दोगे। जितनी भी आपके पास लेबर है सब में डिवाइड कर दोगे। आप लेबर को इससे ये कह सकते हो कि जितना काम करोगे, हमारे पास पैसे ज्यादा आएंगे, तुम्हें उतना ही वेज मिलेगा। हमने तो रेंट पे करना है, हमने तो इंटरेस्ट पे करना है, हमने तो अपना प्रॉफिट रखना है, जितना बचेगा तुम ले जाओगे, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। इससे लेबर क्या होंगे? इनसाइड मोटिवेट होंगे, वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी करेंगे, ज्यादा एंथुसिएज्म से काम करेंगे, उनको पता है जितना बचेगा वो हमें मिलेगा। इसमें क्या है, रेंट पे करने के बाद, इंटरेस्ट पे करने के बाद, प्रॉफिट पे करने के बाद, जितना आपके पास बच जाता है वो सारा एज अ वेज आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जैसे मान लो आपने सर्टेन अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस किया, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस किया सर्टेन टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड में जो आपको मिला, ठीक है, मान लो ये आपको, ये आपका प्रॉफिट है, ये आपने अपने पास रख लिया, ये प्रॉफिट रख लिया, ठीक है, और ये इतना पोर्शन आपने रेंट पे कर दिया, ये आपका प्रॉफिट हो गया, इतना आपने एज ए रेंट पे कर दिया और इतना आपने क्या कर दिया, एज अ इंटरेस्ट पे कर दिया। तो ये बाकी जितना भी बच गया, ये पोर्शन, ये आपने एज अ वेज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एज अ वेज डिस्ट्रीब्यूट किया, जितने भी आपके पास लेबर है उनमें आपने डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये थ्योरी बोलती है, ठीक है, रेंट वेज इंटरेस्ट, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट पे करने के बाद जो पैसा बचता है लेबर में बांट दो। लेकिन अब हम इसकी क्रिटिसिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। अब इसकी पहली क्रिटिसिज्म क्या है, इग्नोर सप्लाई साइड। इस थ्योरी में सप्लाई साइड के बारे में कोई बात ही नहीं की गई। सप्लाई क्या होती है, कितने लोग काम करने के विलिंग है, कितने लोग काम करना चाहते हैं। मान लो बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं, लेबर की सप्लाई बहुत ज्यादा है, लेबर की सप्लाई बहुत ज्यादा है, और जो रिमेनिंग अमाउंट है, जो आपके पास अमाउंट बचा है प्रॉफिट रेंट इंटरेस्ट देने के बाद, वो उसके कंपैरेटिव कुछ ही नहीं। आपने कहा डिस्ट्रीब्यूट कर लो जितना भी अमाउंट है, लेकिन वो अमाउंट कुछ है ही नहीं, उसमें कुछ आ ही नहीं रहा, उसमें लेबर सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे, उनकी बेसिक नीड ही नहीं पूरी हो रही। आपने अपना प्रॉफिट ले लिया, रेंट पूरा दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, लेकिन लेबर की सप्लाई इतनी ज्यादा, उनके पास कुछ बचा ही नहीं, उनके पास कुछ आया ही नहीं। आपने सप्लाई साइड के बारे में कोई बात ही नहीं की इस थ्योरी में। सेकेंड चीज आपने इग्नोर करी, इग्नोर ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन लेबर के वेज को डिसाइड करने में नेगोशिएट करती है, बड़ी सारी बार्गेनिंग होती है, फिर जाके आपका वेज रेट डिसाइड होता है। उसके बारे में आपने कुछ डिस्कस ही नहीं करा, बस बोल दिया प्रॉफिट दे ले लिया, रेंट ले लिया, इंटरेस्ट ले लिया, जो बचा बांट लो। ट्रेड यूनियन का क्या, उससे तो डिस्कस करो, उसके बारे में आपने कुछ बोला ही नहीं। उसके बाद इट बिलोंग टू एंटरप्रेन्योर, इट बिलोंग टू
एंटरप्रेन्योर भाई जो बचता है ना, आपने आज तक में सुना होगा, रेंट प्रॉफिट वेजेस देने के बाद जो बचता है ना, सॉरी रेंट इंटरेस्ट वेज देने के बाद जो बचता है ना, वो एंटरप्रेन्योर का होता है। जितना भी अमाउंट बचता है प्रॉफिट, वो एंटरप्रेन्योर का। अगर कुछ नहीं बचता तो लॉस बिलोंग टू एंटरप्रेन्योर। हमने ये सुना है ना, ये कहाँ की बात है। प्रॉफिट रख लो, रेंट पे कर लो, इंटरेस्ट कर लो, जितना बचा लेबर को। मान लो कुछ भी ना बचा तो क्या करोगे, लेबर कहाँ जाएगी अगर आपके पास कुछ भी ना बचा तो। ओके, तो ये सब इस थ्योरी में डिस्कस नहीं किया गया, ये इसकी थोड़ी क्रिटिसिज्म, आई थिंक आपको समझ में आएगा। थैंक यू।